इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। क्या अब कोई दिन भी सुकून बख्श गुजरेगा, ऐसा सवाल जहनों में आ रहा है। कल खानापुर में पिस्तौल बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, अब यह तहकीक किस हद तक होती है, इसके तार कहां तक जुड़े हैं वगैरह। पुलिस तफ्तीश की बात है, फिर अदालती कार्रवाई, फिर सजा। इस तरह एक तवील कार्रवाई के बाद क्या मुजरिमों को सजा हो सकती है, ये भी एक सवाल है। लिहाजा आज एक और हादसा बेलगाम जिले में पेश आया है। जिस तरह हर रोज तशद्दुद की वारदातें पेश आ रही है, आखिर फिरका परस्त क्या चाहते हैं और इनकी मंशा क्या है? क्या इन्हें कानून, पुलिस, इंतजामिया का डर नहीं रहा? लिहाजा इरफान महबूब साहब बाबा खान उम्र 32 जो एक टेम्पो ड्राइवर है, इसने जो कहानी बताई वो इस तरह है। इरफान महबूब साहब टेम्पो ड्राइवर है। किराए से सौंदती अल्लामा मंदिर जाने के लिए शाम को इरफान से पूछा गया। कामत गली से तकरीबन 8 मर्द और 12 खवातीन के साथ सौंदती के लिए रवाना भी हुए। जब रात 11 बजे अल्लामा मंदिर पहुंचे तो टेम्पो को पार्किंग में खड़ा किया गया, लिहाजा 8 मर्द गाड़ी में ही शराब पीते रहे। रात को 2 बजे तक मामला चलता रहा, तो देर रात तक इस तरह शराब पीते रहोगे तो वापस बेलगाम पहुंचने में मुझे देरी हो सकती है, ऐसा इरफान ने कहा। इसके बाद जो हुआ वो एक ताज्जुब की बात ही कह सकते हैं। 8 लोगों ने इस पर जानलेवा हमला करते हुए मजहबी गालियां देना शुरू कर दी। मुस्लिम होने पर भला बुरा कहा गया। इरफान के मुताबिक तकरीबन 1 घंटे तक 8 लोगों ने पीटा। आखिर जैसे तैसे टेम्पो लेकर अपने घर एमके हुबली सुबह 5 बजे इरफान पहुंच गया। इरफान गांधीनगर दूसरा क्रॉस एमके हुबली का रहने वाला है। टेम्पो चलाने के लिए बेलगाम आता है। लाठी डंडे से पीटने की वजह से काफी दर्द हो रहा था। फसलियों में भी बेताशा लातों घूसों से मारने की वजह से सिविल अस्पताल में जेरे इलाज रखा गया है, एमएलसी कराया गया है। मामले को दर्ज करने के लिए सौंदती पुलिस थाने उनके घर के लोग गए थे, लेकिन जब तक इरफान फरियाद दर्ज करने के लिए पुलिस थाने नहीं आता, फरियाद दर्ज नहीं की जाएगी, ऐसा कहा गया। लिहाजा कल सुबह इरफान की मौजूदगी में फरियाद दर्ज की जाएगी। इस मामले के बाद सवालात का उठाना भी लाजमी है। पुलिस तहकीक में जो भी सामने आएगा उसका इंतजार तो रहेगा, लेकिन खुद इरफान ने कहा कि दाढ़ी को खींचकर मजहबी गालियां देने वाले क्या किसी तंजीम इदारे से ताल्लुक रखते हैं? क्या बेलगाम जिले में भी मॉब लिंचिंग करने वाला गिरोह सरगर्म है? ये कौन है जो किसी मजहब धर्म से इतनी नफरत करते हैं? क्या इस तरह की वारदातें बजाय कम होने की आखिर बढ़ती क्यों जा रही है? आखिर इनके पीछे कौन सी सियासी पार्टी है या कौन से सियासी लीडर की सरपरस्ती इन लोगों को हासिल है? खैर जो भी हो, लेकिन इस तरह के मामले जहां दिगर रियासतों में देखे जाते थे, जैसा कि यूपी, एमपी, अब कर्नाटक और खासकर बेलगाम जिले में होना वाकई फिक्र की बात है। वैसे हर तरफ चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो इस तरह की वारदातों में इजाफा होना भी लाजमी है, क्योंकि अब भाजपा के पास सिवाय फिरका परस्ती के कुछ नहीं रहा है। भारत में लोकतंत्र तो खतरे में है ही, साथ में ये भी अब आम बात होती जा रही है कि सुबह से शाम तक सिर्फ न्यूज चैनलों में हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान अफगानिस्तान, तालिबान, मंदिर मस्जिद वगैरह करते रहो, मतलब हर रोज माहौल गर्म रहे। कर्नाटक में इस तरह की वारदातें और भी बढ़ने के इम्कान इसलिए है क्योंकि जब प्रमोद मुतालिक जैसा बात बात में जहर उगलने वाला शख्स के साथ रियासत के वजीर आला बसवराज बोम्मई मशवरा करते हैं तो यकीनन इस बात की तस्दीक हो जाती है कि आखिर इनके इरादे क्या हो सकते हैं। मजहब तब्दीली कानून को लेकर तमाम हिंदू लीडरों के साथ वजीर आला का इस तरह बैठना क्या कहता है? क्या किसी वजीर आला को इस तरह का रवैया देव देता है? अब तो संविधान की ही धज्जियां हर रोज उड़ाई जा रही है। राष्ट्रवाद हुब्बुल वतनी के मायने ही बदल दिए गए। जब वक्फ बोर्ड का वफद मुस्लिम लीडरों जमातों के जिम्मेदारों के साथ वजीर आला बम्बई से मिलने जाता है तो एक नजर देखना भी वजीर आला बम्बई ने पसंद नहीं किया और ना इनके पास इतनी फुर्सत थी। इसका मतलब यही होता है कि आला लीडरान भी अब मुस्लिम मुखालिफ इकदाम के जरिए अक्सरियत हिंदुओं को खुश करना चाहते हैं। ये और बात है कि कर्नाटक में उत्तर प्रदेश फॉर्मूला कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ की तहजीब में ही एकता भाईचारा है और इसी का मुजहरा हाल ही में हुए जमनी इंतखाबात में दिखाई दिया है। इसके बावजूद भी इस तरह के माहौल को बढ़ावा दिया जा सकता है। चुनाव के लिए कर्नाटक में 1 साल बाकी है, इससे पहले फसाद के जरिए हिंदू मुस्लिम दूरियां को बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं कि पुलिस महकमा या खुफिया एजेंसियों को यह मालूम नहीं है, लेकिन हर कोई इख्तदार पजीर हुकूमत के दबाव में खामोश है। अब वो लोग आपको नहीं मिलेंगे जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सके, क्योंकि आपके पास 2 रास्ते हैं। आप किसी समाज के खिलाफ इतना जहर उगलो और सत्ता में बैठी पार्टी के हक में सुबह शाम कसीदे पढ़ते रहा करो ताकि आपको पद्मश्री से लेकर पद्म भूषण तक अवार्ड मिल सकते हैं।
आपको मोदी शाह की तारीफ में गांधी नेहरू या दिगर स्वतंत्रता सेनानियों को गाली भी दे सकते हैं। आपका काम सिर्फ 2014 के बाद ही असल भारत कहना है, मोदी को राम का अवतार कहना है। और अगर आपने ये ना करते हुए सत्ता से सवाल किया तो आपको जेल हो सकती है, आपको भारत से निकालकर पाकिस्तान भेजने का बंदोबस्त भी किया जा सकता है। आप पर ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआईए, एसआईटी जैसे ये जांच एजेंसियां तुम्हारे पीछा कर सकती है। आपको देशद्रोही भी कहा जा सकता है। महाराष्ट्र में त्रिपुरा पर हुए मुसलमानों के जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया गया, लाखों लोग सड़कों पर निकलकर एहतजाज में हिस्सा लिया। जाहिर है महाविकास आघाड़ी की सरकार ने रैलियों की इजाजत दे दी, लेकिन भाजपा और फिरका परस्त तंजीमों को ये भी नागवार गुजरा और उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में दूसरे दिन त्रिपुरा भाजपा हुकूमत के हक में जुलूस निकालकर फसाद बरपा किया, ताकि जहां पर भी भाजपा हुकूमत नहीं है वहां भी हिंदू मुस्लिम नफरती एजेंडा चला सके। लिहाजा आज की वारदात में बेलगाम वालों के डर खौफ में इजाफा होता दिखाई दे जा रहा। क्या महकमा इस पर संजीदगी से तवज्जो देते हुए सख्ती से फिरका परस्तों की नकल कसेगी? ऐसा सवाल अवाम की जानिब से किया जा रहा है। गाड़ी चला तो लेकर जा रहा था, मैं भाड़ा लेके आता उनको, भाड़ा लेके जब छोड़ा रात का 11 बजे दारू पीने बैठे गाड़ी मेरे, 11 बजे से 2 बजे में दारू पिए, 2 बजे के बाद मैं गया गाड़ी करने, अरे तेरी दाढ़ी काट, चेहरा काट, वो तू मुसलिया था पुदरी चाकर को मारने चल पड़े सबने, मेरे को लकड़ी सी हाथा सी सब मार मार को एक घंटा मारा है मुझे। आज मुख्तलिफ कन्नड़ तंजीमों की जानिब से एहतजाज करते हुए कहा कि मरकज और रियासत पे भाजपा की ही हुकूमत है, लिहाजा ITBT कंपनियों का कयाम अमल में लाया जाए ताकि शुमाली कर्नाटक में रोजगार पैदा हो सके। इसी तरह से मराठी लोगों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बेलगाम में रहकर महाराष्ट्र में जाने की ख्वाहिश करते हुए कर्नाटक के खिलाफ ही आवाज बुलंद करने वाली तंजीमों पर भी सख्त कार्रवाई करे, ऐसा इस वक्त कहा गया। कन्नड़ साहित्य भवन से निकलकर चन्नम्मा सर्कल तक एहतजाज किया गया। प्रवीण चट्टी गिरोह के जेर सदारत इस एहतजाज को अंजाम दिया गया। आज बेंगलोर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से मेंबरशिप मुहिम के तहत अरमान मैदान में इजलास मुनक्कद किया गया था। इस वक्त कांग्रेस पार्टी के तमाम जिम्मेदारान भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के बुजुर्ग कायद और साबिक वजीर आला सिद्धरामैया वजीर आजम मोदी पर तंज करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लिहाजा उन्होंने इस वक्त कहा कि जब से मैंने सियासत में कदम रखा है मेरी पूरी हयाती में मोदी जैसा झूठा आदमी अब तक नहीं देखा। आगे और भी उन्होंने कहा कि मोदी अजीबोगरीब ऐलानात भी करते रहते हैं। कोरोना के दौरान ताली थाली बर्तन घंटी बजाने का मशवरा दिया जाता है, क्या कभी जवाहरलाल नेहरू ने इस तरह की बातें कहते हुए देखा था क्या? ऐसा सवाल भी किया। अगर इस मुल्क का महान झूठा अगर कोई है तो वो मोदी है, ऐसा तंज भी किया गया। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए रियासती सतह पर मेंबरशिप मुहिम चलाई जा रही। रियासत कर्नाटक में फसाद बरपा करना यही एक मकसद फिरका परस्तों की जानिब से किया जा रहा है। लिहाजा आज राम सेना के जानिब से बाबा बुलंदगिरी पहाड़ पर जाने के लिए जब वो गाड़ी लेकर कोलार पहुंचे तो कोलार में भड़काऊ नारेबाजी कर माहौल को तशद्दुद में तब्दील करने की कोशिश की। तशद्दुद कायम करने का वैसे भी जिम्मेदारी इसी तंजीम ने ली है। इसी तरह प्रमोद मुतालिक ने गदक की मस्जिद को शहीद करने की धमकी दी थी, इसके बावजूद भी इस पर तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई तो दूर की बात, खुद वजीर आला ही इसके साथ बैठते हैं, मतलब किस इंतहा तक रियासत के मामले बिगड़ते जा रहे हैं। खैर आज कोलार में राम सेना की जानिब से क्लॉक टावर जहां मुस्लिम समाज की आबादी है जगह पर भड़काऊ नारेबाजी की, जिससे आवाम ने गुस्से में आकर गुस्से का इजहार करते हुए भीड़ इकट्ठा हुई और 2 गिरोह में पथराव शुरू हुआ। पथराव में 3 अफराद जख्मी होने की बात कही जा रही है। भड़काऊ नारेबाजी कर माहौल को तशद्दुद में तब्दील करने वाले राम सेना की जानिब से पथराव के बाद ही पथराव करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। क्या राम सेना के अफराधों पर जिन्होंने भड़काऊ नारेबाजी की है इन पर कार्रवाई हुई है क्या? ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से किया जा रहा था। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।